नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टुडे फार्मिंग जोन पे। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो अपने पशु प्रेमी भाइयों और किसान मित्रों को सिर्फ ये बताने के लिए कि DFA पशु मेला कल से शुरू होने जा रहा है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया है तो सोचा अपने भाइयों को एक बार फिर से याद दिला दूं। जी हां दोस्तों, जो DFA पशु मेला पहले 7, 8 और 9 जनवरी 2022 को यानी साल के स्टार्टिंग में ही कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में लगने जा रहा था, वो कैंसिल हो गया था कोरोना के कारण। लेकिन अब फिर से 21, 22 और 23 फरवरी 2022 को यानी कल से ही वो मेला फिर से लगने जा रहा है कुरुक्षेत्र में। कहां पर ये तीसरा DFA पशु मेला लगने वाला है वो भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा इसमें कौन कौन से पशु भाग ले सकते हैं, कौन कौन से पशुओं की कैटेगरी इसमें शामिल की जाएगी, कौन कौन से कंपटीशन इसमें होंगे, कौन से रिंग में होंगे, वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिए, पूरी जानकारी लीजिए और पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके अपने इस चैनल टुडे फार्मिंग जोन को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आप तक पहुँच जाए। और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र में कहां पर ये तीसरा DFA पशु मेला पशु कंपटीशन लगने जा रहा है इस बार, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये है ब्रह्म सरोवर पार्किंग गुलजारी लाल नंदा जो स्मारक है उसके नज़दीक में ये 21, 22, 23 फरवरी 2022 को इस बार ये पशु मेला तीसरा DFA लगने जा रहा है। तो सभी पशु प्रेमी पशुपालक भाई तहे दिल से आमंत्रित है, सभी किसान भाई भी तहे दिल से आमंत्रित है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस मेले में पहुंचकर मेले की शोभा बढ़ाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, पशुओं के अलावा यहां पर कृषि यंत्रों और पशुपालन यंत्रों की बहुत सारी प्रदर्शनियां भी लगने जा रही हैं। तो इस पशु मेले में अपने पशुओं को पार्टिसिपेट कराने के अलावा भी यहां पर बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है और इस बार पिछली बार की अपेक्षा भीड़ भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी अपने पशुओं की एंट्री करवा लीजिए। फ़ोन नंबर आप सामने स्क्रीन पर इनके देख पा रहे हैं, इन नंबरों पर फ़ोन करके अपने पशुओं की जल्दी से एंट्री करवा लीजिए क्योंकि अब डेट बिल्कुल नज़दीक आ गई है। कल से ही ये मेला स्टार्ट होने जा रहा है 21, 22 और 23 फरवरी 2022 यानी 3 दिन ये मेला चलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी अपने पशुओं की एंट्री करवा लीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर सिर्फ पशुओं की एंट्री की फीस लगने वाली है। जो आदमी, जो पशुपालक भाई किसान भाई मेला देखने के लिए आ रहे हैं उनकी कोई फीस नहीं है। सामने जो स्टॉल बुकिंग के नंबर दिए गए हैं उन पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने स्टॉल भी बुक करवा सकते हैं। अगर आप कोई प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं किसी सामान की, कृषि यंत्रों संबंधित या पशुपालन यंत्रों संबंधित किसी भी सामान की, किसी प्रोडक्ट्स की आप प्रदर्शनी इस मेले में लगाना चाहते हैं तो वो आप सामने जो स्टॉल बुकिंग के जो 2 नंबर दिए गए हैं उन पर कॉन्टैक्ट करके, उन पर फ़ोन करके आप अपने लिए स्पेस वहां पर बुक करवा सकते हैं स्टॉल लगाने के लिए। और दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से पशु इस मेले में शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से पशु इसमें भाग ले सकते हैं, कौन कौन से पशुओं की कैटेगरी इसमें शामिल की जाएगी, कौन कौन से कंपटीशन होंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, दोस्तों सबसे पहले तो एक ज़रूरी सूचना आप सब के लिए, अगर आपके पास अच्छी नस्ल के, अच्छी क्वालिटी के पशु हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, उनके बच्चे हो,
बुल हो या भैंसे हो या भेड़ बकरी जो भी हो, अगर आपके पास अच्छी नस्ल के पशु हैं और आप चाहते हैं कि आपके पशुओं के बारे में पूरी दुनिया जाने, तो आप अपने पशुओं की वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम उनकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, जिससे आपके पशुओं की वैल्यू बढ़ेगी, उनकी कीमत बढ़ेगी और आपका भी नाम होगा। और ये बिल्कुल फ्री है, एक पैसा भी इसके लिए आपको देना नहीं होगा। बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो सोच क्या रहे हैं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला। फ़ोन उठाइए, अपने पशुओं की वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। जो नंबर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसी पर वीडियो भेजनी है। तो दोस्तों, इस तीसरे DFA पशु मेले में, पशु कंपटीशन में कौन कौन से कंपटीशन होंगे, कौन कौन सी पशुओं की प्रतिस्पर्धाएँ होंगी, कौन कौन से पशुओं के मुकाबले होंगे और कौन कौन सी कैटेगरी के पशु इसमें शामिल किए जाएंगे, वो पूरी लिस्ट मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ और पढ़ के सुना भी देता हूँ। तो लिस्ट को ध्यान से देखिए, कहीं बाद में फिर ये बोलते हैं कुछ भाई की मेरी ये समझ में नहीं आया कौन से पशु लेकर आने हैं, कौन से नहीं, कौन से कंपटीशन है, वो पूरी लिस्ट मैं अभी आपको बोल कर बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। तीनों दिन के मुकाबले आपको बताए जाएंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं 21 फरवरी 2022 में जो मुकाबले होने जा रहे हैं वहाँ से। तो 21 तारीख को 11 बजे से ये कंपटीशन, ये पशु मेला शुरू होने जा रहा है और 11 बजे सुबह पहला जो कंपटीशन है वो है देसी गाय ड्राई का, रिंग नंबर 1 और 2 में। उसके बाद दोपहर को 12:30 बजे HF खीरी बछड़ी रिंग नंबर 1 में मुकाबला होगा। उसी समय 12:30 बजे ही दोपहर को मुर्रा खीरे कटड़िया रिंग नंबर 2 में, 1:30 बजे दोपहर को जर्सी खीरी व दो दांत बछड़िया रिंग नंबर 1 में, उसी समय रिंग नंबर 2 में मुर्रा जोटी 2 और 4 दांत, 2:00 बजे दोपहर को HF दुधारू गाय 2 और 4 दांत का मुकाबला होगा रिंग नंबर 1 में, उसी समय रिंग नंबर 2 में दोपहर को 2:00 बजे जो मुर्रा खीरे कटड़े हैं उनका मुकाबला होगा रिंग नंबर 2 में, 3:00 बजे दोपहर को नीली रावी खीरी व दो दांत कटड़ियों का मुकाबला होगा रिंग नंबर 1 में, शाम को 6:00 बजे मुर्रा व देसी गाय दूध मुकाबला होगा रिंग नंबर 2 में, रात को 8:00 बजे जर्सी HF दो दांत व HF गाय दूध मुकाबला शुरू होगा रिंग नंबर 1 में। तो ये तो थे 21 फरवरी 2022 के कंपटीशन। अब 22 फरवरी 2022 के कंपटीशन जो है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसके लिए आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये सुबह 4 बजे अंधेरे अंधेरे शुरू हो जाएंगे। तो 4 बजे जो पहला मुकाबला 22 तारीख को है वो है HF जर्सी दूध मुकाबला रिंग नंबर 1 में, सुबह 6:00 बजे मुर्रा देसी दूध मुकाबला रिंग नंबर 2 में, सुबह 11:00 बजे नीली रावी दुधारू भैंस सौंदर्य मुकाबला होगा ब्यूटी मुकाबला रिंग नंबर 1 में, उसी समय 11:00 बजे सुबह मुर्रा खुशक भैंस मुकाबला होगा रिंग नंबर 2 में, दोपहर को 12:00 बजे HF जर्सी दूध मुकाबला होगा रिंग नंबर 1 में, उसी समय दोपहर 12:00 बजे ही मुर्रा दुधारू भैंस सौंदर्य मुकाबला होगा ब्यूटी मुकाबला रिंग नंबर 2 में, 1:30 बजे दोपहर जर्सी गाय सौंदर्य मुकाबला होगा ब्यूटी मुकाबला ये रिंग नंबर 1 में, 1:30 बजे दोपहर को मुर्रा जोटे 2 और 4 दांत उनका मुकाबला होगा रिंग नंबर 2 में, दोपहर को 2:30 बजे नीली रावी के जो बड़े जोटे हैं उनका मुकाबला होगा रिंग नंबर 1 में, 2:30 बजे दोपहर को ही देसी दुधारू गाय सौंदर्य मुकाबला होगा रिंग नंबर 2 में, 3:30 बजे दोपहर को नीली रावी भैंस सौंदर्य मुकाबला होगा रिंग नंबर 2 में,
3:30 दोपहर को ही मारवाड़ी वैसेक जो घोड़ों का मुकाबला होगा वो रिंग नंबर 1 में, 5:00 शाम को HF जर्सी दूध मुकाबला होगा रिंग नंबर 1 में, 6:00 शाम को मुर्रा देसी गाय मुकाबला होगा रिंग नंबर 2 में। तो ये तो थे 22 फरवरी 2022 के मुकाबले। अब 23 फरवरी 2022 के मुकाबले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये भी सुबह अंधेरे अंधेरे 4:00 शुरू हो जाएगा 23 फरवरी को। तो 4:00 जो पहला मुकाबला है, सुबह अंतिम मुकाबला है HF एवं जर्सी दूध मुकाबला रिंग नंबर 1 में, 6:00 सुबह अंतिम मुकाबला है मुर्रा देसी दूध मुकाबला 2 नंबर रिंग में, 11:00 प्रातः HF दूध गाय सौंदर्य प्रतियोगिता है रिंग नंबर 1 में, 10:00 प्रातः देसी दुधारू गाय मुकाबला है रिंग नंबर 2 में, 12:30 दोपहर को मारवाड़ी वैसेक जो घोड़ियां हैं उनका मुकाबला है रिंग नंबर 2 में, 1:30 दोपहर को HF सांड सौंदर्य मुकाबला है रिंग नंबर 1 में, 2:00 दोपहर को 1:00 ही दोपहर को मुर्रा बड़े जोटे सौंदर्य मुकाबला है रिंग नंबर 2 में, 2:00 दोपहर को साहिवाल हरियाणा सौंदर्य मुकाबला है गायों का रिंग नंबर 1 में, और 3:00 दोपहर को इनाम बांटे जाएंगे, जो पशु जीतेगा उनको इनाम दिए जाएंगे। तो ये थी कंप्लीट जानकारी कि तीसरा जो DFA है उसमें कौन कौन से मुकाबले हैं और कौन कौन से पशुओं की कैटेगरी शामिल की जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मुकाबले के बारे में, तीसरा जो DFA शुरू होने जा रहा है उसके बारे में जानकर उसमें अपने पशुओं को ले जा सके और अपने पशुओं को पार्टिसिपेट करा सके। तो और भी ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो जानने के लिए और इस DFA और भिवाणी का जो पशु मेला है उसके जो कंपटीशन होंगे उनकी लाइव वीडियो देखते रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल टुडे फार्मिंग जोन को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल का बटन जो है इसको ऑल पर सेट कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी आगे हमारी वीडियो आएगी इस चैनल पर वो सीधे आपके पास पहुंच जाएंगी। तो जो भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा नमस्कार।